नमस्कार, आपका स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र में हर तरह के सपनों के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। ये सपने हमें भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देते हैं। इसी तरह से अगर सपने में हम कुछ विशेष प्रकार की चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें धन की प्राप्ति होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सभी सपनों का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। सपने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक इष्ट फल को बताने वाले यानी पॉजिटिव चीजों को बताने वाले और दूसरे निगेटिव चीजों को बताने वाले। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के सब सपने आने से लाभ और प्रसन्नता मिलती है। सपने में तारे दिखे तो इसका मतलब है आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है या परिवार के किसी सदस्य को व्यापार में मुनाफा होने वाला है। खुद को कब्रिस्तान में देखना, अगर आपने अपने सपने में खुद को कब्रिस्तान में देखा है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी ही मान सम्मान मिलेगा और उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। सपने में अगर आपको छिपकली दिखती है तो इसे अजीब सपना ना माने। दरअसल ये शुभ संकेत है कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। सपने में सांप का दिखना आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन ये शुभ माना जाता है क्योंकि यह संकेत है कि आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। ये स्वप्न धन और संतान प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। खुद को सपने में आत्महत्या करते हुए देखने पर आप डर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये सपना शुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है कि आपकी उम्र बढ़ गई है और आप पर धन वर्षा होने वाली है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सपने में भी खुद को गरीब देखना पसंद करता हो, लेकिन अगर आपको गरीबी से जुड़े सपने आ रहे हैं तो इसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ मिलने वाला है। सपने में इमारत बनते हुए देखने का मतलब है कि आपको तरक्की मिलने वाली है या धन का लाभ होने वाला है। सपने में अगर आप गुलाब देखते हैं तो ये संकेत है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी और रुका हुआ धन वापस आ सकता है। अगर आपने सपने में तोता देखा है तो ये आपके लिए शुभ है। साथ ही सपने में तोता देखने से धन प्राप्ति होती है। अपर सपने में कोई इंद्रधनुष का धनुष, सूर्य का रथ या भगवान शिव का मंदिर देखा है तो आपको जल्द ही धन लाभ होगा। ऐसे सपने देखने वालों के घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अगर सपने में आपको सांप का बिल या बिल की आकृति दिखाई देती है तो ये जीवन में कुछ अच्छा होने का संकेत माना जाता है। ये संकेत देता है कि भविष्य में आपको खूब सारे धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको सपने में यदि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो ये बताया गया है कि साक्षात माँ लक्ष्मी घर में आने वाली है। आपको धन लाभ के साथ साथ जीवन में सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप सपने में खुद को अंगूठी पहने हुए देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि भविष्य कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। साथ ही इससे आपको विशेष फल के साथ साथ धन प्राप्ति की भी संभावना होती है। चूहे को भगवान गणेश जी का वाहन माना जाता है और सपने में चूहे को देखना शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में चूहे को देखते हैं तो आपके घर और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है, इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है, लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है, लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो ये शुभ संकेत है। ये स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो ये संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। जैसे सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है, वैसे ही यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। वो आपको तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।